आ गया। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑन बोथ द साइड ऑफ ए रिएक्शन और इक्वेशन मस्ट बी। सर वो स्लाइड चल गया। मस्ट बी सेम। हर एक एटम, ठीक है, ईच एटम्स ये सेम होना चाहिए, ईच एटम सेम होना चाहिए ऑन बोथ साइड। ईच एटम that sentence it's very small to 3। क्या बोल रहे हो? जब वो बोल रहे हैं उसको छोटा छोटा, हाँ तो एक जन बोलो। जब वो बोल रही है उसको छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोल रही है। अच्छा, उसको छोटा दिख रहा है, बाकी सबको कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। नहीं सर, समझने लायक तो दिख रहा है, समझने लायक तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं फोन तो हॉरिजॉन्टल में करो, फुल स्क्रीन में देखो, अगर बड़ा हो जाए। फोन हॉरिजॉन्टल ही है। अच्छा ठीक है, हम इसके बाद थोड़ा लार्ज लिखते हैं। चलो, तो नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑन बोथ द साइड ऑफ ए रिएक्शन और इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर सेम है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ ईच एटम ऑन each atoms on both the side of a reaction is same, then the equation is called balanced equation or the reaction is called balanced reaction। या तो बैलेंस्ड इक्वेशन बोलो या तो बैलेंस्ड रिएक्शन बोलो, कुछ भी बताओ। अदर बोथ हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे अगर मेरा जो एटम से उसका नंबर अगर सेम हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है सर, हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ सर, जो बैलेंसिंग करेंगे वो कौन से तरीके से करेंगे? हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे सर। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब फॉर्मूला डिफिकल्ट दे दिया जाएगा तो, लेकिन हम लोग कई बार एग्जाम में होता है कुछ करना नहीं है, हम लोग तो उसी से करना है जिन्हें सिलेबस से आता दिन हम तो चलना है। अभी चलिए हम लोग उसी से करेंगे। ठीक है यस सर, पिछले साल भी उसी से करवाए थे। हाँ, बाकी जो प्रोसेस होता है ना वो आयनिक मतलब एसिड मीडियम बेस मीडियम वो बैलेंसिंग अभी हम लोग का नहीं है, वो 11 में जाता है, 12 में जाता है, जब आएगा वो अलग चीज हो जाता है रिडॉक्स के बाद। हम लोग तो अभी हीट एंड ट्रायल ही करना होगा, उसी में तुम लोग तो प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलो ये नोट डाउन हो दिया? यस सर। यस सर। होते तो यह है जो छूटा हुआ है, जिस ना कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है चलो, तो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन तो कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, उससे हम लोग आगे चलते हैं। सर H plus O2 to form H2O। उससे भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सर C plus O2 NaOH क्या फॉर्म होगा पहले बताओ। सर NaCl plus H2O। NaCl plus H2O। NaCl plus H2O। ऐसा नहीं आप क्लियर दिख रहा है, मतलब आप साइज ठीक है ओके। तभी तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम्स है और राइट हैंड साइड पे जितने एटम्स है सबको काउंट करना है। अगर सेम हो गया तो वो बैलेंस्ड है, सेम नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए 2। Cl कितना है 1। सोडियम कितने हैं 1। ऑक्सीजन कितना है 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है 2। Cl कितना है 1। सोडियम कितना है यहाँ पर 1 और बचा कौन ऑक्सीजन, वो कितना है 1। तो देखो on your left hand side 2 hydrogen atoms are present, on the right hand side also 2 hydrogens are present, so it is balanced. Here 1 Cl atom is present on left side, here also 1 Cl atom is present on the right side, it is also balanced. Similarly 1 sodium on left, 1 sodium in right, it is also balanced. Similarly 1 oxygen on left side और 1 oxygen in also left side, so it is also a balanced equation. तो हम लोग बोल सकते हैं कि it is a balanced equation, balanced chemical equation। चलो ठीक है, समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है तो हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, दोनों सेम है तो बैलेंस्ड है, नहीं है तो बैलेंस नहीं है करना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है सर, आई हैव नो डाउट। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एलो डालेंगे सर, सब बैलेंस होगा 2H2 plus O2 to form 2H2O। ठीक है 2H2O, ठीक है तुमको पता है, ठीक है बातियों तो थोड़ा सर हम अभी बैलेंस किया सर। यस सर, प्रोसेस बोल देने दो फिर आंसर बोलना, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है 2 और ऑक्सीजन का कितना दिखाई दे रहा है 2 ऑल्सो 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 2 लेकिन ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है 1। सर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 2H2। वेट, अभी देखो हाइड्रोजन दोनों साइड में सेम है तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है तो इधर हमको और एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। तो अभी देखो ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन प्लस करेंगे, ठीक है प्लस नहीं होता है यहाँ पर, एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये 2 है ये 1 है, हमको इस 1 को 2 के बराबर लाना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो बराबर होगा 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाउ ऑक्सीजन बिकम 2, ऑक्सीजन बिकम 2, बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 से मल्टीप्लाई होती है ना, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो सामने जाकर बैठ जाता है। अब देखो ऑक्सीजन तो अकेला तो नहीं है, ऑक्सीजन तो वाटर के साथ है, मतलब ये जो दो बैठेगा वो 2 कहाँ जाकर बैठेगा, सामने जाकर बैठेगा। इस पूरे कंपाउंड का जहां से ऑक्सीजन आया है उसके सामने जाकर बैठेगा। तो सामने जाकर बैठना मतलब ये 2 से ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 से हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाना मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी हाइड्रोजन कितना बन गया, 4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का नंबर मेरा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2, तो अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर ये बनेगा 4। तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 यहाँ बैठ जाएगा। नाउ इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। जब बैलेंस हो जाएगा तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 इक्वल साइन हम लोग तभी बिठा सकते हैं, अगर इक्वल नहीं भी बिठाओगे ऐसे भी रखोगे इट इज ऑल्सो राइट। समझ में आया, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? तो एक एटम को बैलेंस करने के लिए उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सपोज वो ए प्लस बी से सी प्लस डी है, हम लोग सपोज बी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, ये 2 कहाँ बैठेगा, ये 2 बी के सामने बैठेगा। सपोज ए को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, ये 3 कहाँ बैठेगा, ए के सामने बैठेगा। अभी मान लो ए बी है और इस ए बी में हमको बी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ सामने बैठने का जगह नहीं है ना, वो कहाँ बैठे था, पूरे के पूरे सामने बैठे था, जहां से बी आया था वो वाला कंपाउंड का एकदम सामने बैठे था। अब सामने बैठना मतलब बी तो मल्टीप्लाई हुआ, ए तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी तो भी और ए तो भी, लेकिन 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, मतलब 2 फिर 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, एक बार 2 लिख देना मतलब ये पूरे के पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ वो 2 मल्टीप्लाई हो गया। ये बात समझ में आया या नहीं बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ सर आया। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला है तब ना सर, जहाँ पे एक से ज्यादा मतलब 3-3 कंपाउंड रहेगा रिएक्टेंट में, 3-3 प्रोडक्ट में और तीनों में हाइड्रोजन होगा, तो कैसे करेंगे? हम लोग सब आएंगे बेटा, सब आएंगे। हम लोग क्या बोले थे लास्ट क्लास में कि हम लोग इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, चिंता मत करो, सारे समझा लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करो, अगर तुमको इजी वाला पता है तो थोड़ा शांत बैठो, जब आएगा मॉडरेट डिफिकल्ट वाला तब देखना सारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो वो बोलो, नहीं है, चलो सर वेट थोड़ा सा कॉपी कर ले। हाँ कॉपी करो, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, सर कॉपी हो गया, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, ओके। चलो जिनका हो गया बहुत अच्छा, मैं यहीं पर एग्जांपल नंबर 3 दे रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होगा बताओ, सर HCl में 2 लिखेंगे, HCl में 2 लिखेंगे। देखो अब बार बार इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर इजी वाले के लिए एटलीस्ट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, Cl कितना है, 1, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1, हाइड्रोजन है 2, और Cl भी है मेरा 2। अब हाइड्रोजन और Cl2, हाइड्रोजन और Cl1, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2। नाउ H और Cl दोनों एक साथ है, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा। तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, Mg बैलेंस हो गया सर, बैलेंस हो गया। तो Mg प्लस 2HCl इट गिव्स MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यस सर, सर डन डन, सब होते हैं। ये एक्सप्रेशन और वॉइस थोड़ा लेट आ रहा है क्या, मैच नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर, सर नेक्स्ट आप थोड़ा सा हार्ड वाला दीजिए ना सर। दे रहे बेटा, हार्ड भी देंगे, सब देंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर जंप करेंगे। तो आप स्विमिंग आएगा नहीं, और डायरेक्ट अगर हम लोग सी में कूद जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहले तो पॉन्ड, रिवर और वेल में तो हम तो स्विमिंग सीखना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग सी और ओशन में जंप कर सकते। चलो यहाँ पर सब तो हुआ, रिवर इज आल्सो डेंजरस, रिवर इज आल्सो नॉट सेफ। तब सब तो हुआ यहाँ तक, तीसरा है जो नहीं हुआ। चलो, या कोई है जो अभी तक समझ में नहीं आया बेसिक, कल वो बताओ। कोई भी है तो वो पहले वो बताओ, तो हम वहां पर वापस से समझाएंगे, क्योंकि आप फिर थोड़ा थोड़ा टफ होते चले जाओ। नहीं है, ठीक है, चलो नंबर 4 ना, नंबर 4 लाइट कलर ले लेना, इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ये देखो, Fe प्लस HCl इट गिव्स FeCl3 एंड हाइड्रोजन। चलो इसको बैलेंस करो। चलो इसको बैलेंस करो। सर बोलो। सर Fe में 2 लिखेंगे, अच्छा। HCl में 6 लिखेंगे, अच्छा। FeCl3 में 2 लिखेंगे, अच्छा। और H2 में 3 लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं ये सीक्वेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। चिंता हुआ ठीक है, चिंता नहीं हुआ ट्राई करो, हम भी बता रहे। देखो देखते कि वो जो बोला, कौन बोला, आदित्य बोले ना, देखते हैं ये सही है या नहीं। यस सर। चलो काउंटिंग करते हैं। देखो इधर Fe कितना 1, हाइड्रोजन कितना 1, Cl कितना 1, इधर भी हाइड्रोजन 1, सॉरी आयरन, हाइड्रोजन 2 है सर, हाँ आयरन 1, हाँ सर, और Cl3 है, हाँ हाँ गलती हो गया, सॉरी, ठीक है। आयरन 1, हाइड्रोजन 2, Cl3। आयरन बैलेंस्ड है, जरूरत नहीं है। सर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। हाँ सर। तो अभी देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Cl बैलेंस नहीं है। सब Cl और Cl तो बैलेंस करने के लिए क्या करने पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो ये बन गया देखो 6, ये भी बन गया 6। अब 3 से Cl तो मल्टीप्लाई करना, तो Cl के साथ कौन है, हाइड्रोजन भी है, तो इट विल आल्सो मल्टीप्लाई विथ 3, मतलब ये बन जाएगा 6। अब जब हाइड्रोजन 6 बन गया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 3। So both we can see. So ultimate मेरा balancing equation क्या हुआ? Sir, FeCl. अल्टीमेट बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगा, ये 6 लाने के लिए लास्ट चीज से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, yes. यहाँ पर क्या होगा, ये 2HCl कौन लिखा, हम लिखे, हाँ हम ही तो लिखे होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा बैलेंस इक्वेशन है, ये हो रहा है Fe प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 दूनी 6 होता है 6HCl। अल्टीमेट जो 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको 2 से, तो अल्टीमेट मेरा नंबर क्या आया 6। तो Fe प्लस 6HCl यहाँ से आया FeCl3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl तो मल्टीप्लाई था तो लास्ट में 6 आया था ना, तो Cl तो मल्टीप्लाई किससे किए थे, लास्ट में मल्टीप्लाई किए थे 2 से, तो यहाँ बैठे था 2। अब यहाँ पर जैसे Cl तो 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला Cl किसके साथ है, आयरन के साथ, तो ये बन गया 2, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2Fe प्लस 6HCl, वहाँ से आ गया 2FeCl3 प्लस 3H2। ये तो लास्ट हाइड्रोजन तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए थे, यस सही, यही तो बोला। तो ठीक है 2 6 2 3 काउंटिंग कर लो, देखो 2 आयरन 2 आयरन 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 6Cl 2 3 6 Cl। So it is balanced equation. सबको समझ में आया या किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो वो बोलो, हाँ सर फिर से बताइए, फिर से बताइए, ठीक है ठीक है। देखो वापस से बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में आयरन 1 हाइड्रोजन 1 Cl1, राइट साइड में आयरन 1 हाइड्रोजन 2 और Cl। अच्छा इसको थोड़ा उल्ट ऊपर लिख रहे, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर लिख दे रहे, चलो ऑल्टरनेट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ले लो Cl, पहले Cl तो ले लो फिर हाइड्रोजन तो ले लो, यहाँ आयरन और Cl एक साथ है ना, तो आयरन और Cl तो एक बार में ले लो और हाइड्रोजन तो ले लो। देखो आयरन अभी बैलेंस्ड है, अभी आयरन के साथ हम लोग कोई मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, उसको टच नहीं करेंगे, छोड़ दो। अब देखो Cl और हाइड्रोजन को, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, चलो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है Cl के साथ, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है Cl के साथ, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब Cl को भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो Cl बना 2 हाइड्रोजन बना 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस नहीं है अभी भी। अब बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो कोई भी एक ऐसा नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, दोनों को ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेट नंबर कितना आ गया मेरा, 3 से मल्टीप्लाई किए 6 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किए 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ये H और Cl 6 से मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ पर 6 बैठ दिया। अब ये Cl है, Cl ये 3 तो पहले से ही था ना, अल्टीमेट मल्टीप्लाई किससे किए टू से, तो अल्टीमेट मल्टीप्लाई किए Cl तो टू से, और ये Cl किसके साथ है? आयरन के साथ, मतलब आयरन को भी दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला टू कहाँ बैठेगा? इसके सामने दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए। अब जैसे ही आयरन दो हो गया, इसको भी दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ टू बैठ गया। अब देखो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई किए थे तो हाइड्रोजन बिकम्स सिक्स, इसलिए इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री से, तो ये भी बन जाएगा सिक्स। तो मल्टीप्लाई कौन सा नंबर से किए थे हाइड्रोजन को? थ्री से, तो यहाँ पर बैठा दो थ्री। तो अल्टीमेट हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए थे? दो से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किए थे? टू से। Cl तो किससे मल्टीप्लाई किए? अल्टीमेट सिक्स से मल्टीप्लाई किए। Cl तो अल्टीमेट यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए? दो से, इसलिए यहाँ दो बैठा है। हाइड्रोजन तो सिक्स से, हाइड्रोजन तो थ्री से। ये वाला सिक्स अल्टीमेट मल्टीप्लाई हुआ है, ये तीन दो मिलाकर, और यहाँ पर दो पहले से तीन प्लस था। बोलो हाँ सर, ये f equals to 1, Cl equals to 1 जो है पहले वो वाला लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग फाइंड करके लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोग ओरली कर सकते हो तो लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ओरली कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो हम लोग ऐसे अगर करेंगे, कोई भी एक रिएक्शन है, सपोज a प्लस बी से, सपोज ए बी फॉर्म हुआ, कुछ भी सपोज एक बार यहाँ दो बिठाई, फिर यहाँ हम लोग वन बिठाई नहीं हुआ, फिर यहाँ तीन बिठाई, यहाँ छः बिठाई नहीं हुआ, फिर इसको बिठाते चार बिठाई, दो बिठाई, मतलब ओरली अगर कर सकते हो तो ऐसे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो सूटेबल लगे। लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है और ऐसे होने का भी चांसेस कम रहता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम मेरे पास पूरा डायग्राम बना रहे, कितने आइटम्स है, कितने आइटम्स हो रहे हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन दीजिए। सर समझ में आ गया? आ गया, सब तो हुआ? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो हम लोग लेते, थोड़ा म्यूट करो, जैसे घर में साउंड आ रहा है थोड़ा वो म्यूट करो कुछ देर के लिए। जब बोलना होगा तब अनम्यूट कर देना। ये तो मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या फॉर्म होता है? MgOH सर, MgO सर, MgOH क्यों बनेगा सर? MgO नहीं बन सकता। नहीं सर, MgO तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ। यस, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तब जाकर बनता है MgO। मैग्नीशियम प्लस हुआ तब OH है। हाँ सर, वहाँ H2 है इसलिए यहाँ OH बनेगा। हाँ, वो ऑक्सीजन था इसलिए ऑक्साइड बना, ये वाटर है इसलिए हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ये जो OH बना ना, इसको हम बोलते हैं सर H2O के आगे O होगा, मतलब 2 होगा सर, H2O के आगे 2 होगा। सो देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। यस सर, सर 2mg होगा सर, सिर्फ यहाँ पर 2 बैठ जाएगा, बस बैलेंस हो गया, हो गया ना। सीधे हाइड्रोजन कितना बन गया? 4 और ऑक्सीजन 2। तो देखो OH का होल 2, OH का होल 2 मतलब क्या? OH और OH, दो OH प्रेजेंट है तो दो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक है। 4 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन तो ये भी बैलेंस्ड है, हो गया। ये कितना नंबर था? ये 3 था, ये 4 था। नहीं चाहिए, 5 नंबर है सर। सर आप जो किया है सर अभी, ये 5 है, ठीक। ये बैलेंसिंग हुआ सबका, इसमें कुछ तो डाउट है, उतना काउंटिंग का इसमें जरूरत नहीं था, देखते ही समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना बैठेगा? 2 बैठ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। This is बेरियम क्लोराइड, this is सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसका होगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ इसमें क्या होगा? सर HCl में 2 होगा बस। HCl में 2 होगा। Yes, we have to place only 2 before HCl, then the equation will be balanced. समझ में आया? देखो देखते क्या लग रहा है, बेरियम कितना है? 1, यहाँ भी बेरियम कितना है? 1। अब इस हिसाब से ले लो ना, देखो यहाँ पर SO4H7 है और यहाँ भी पूरा का पूरा SO4H7 ही है। इसको ब्रेथ करते लेने की जरूरत नहीं है कि 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। और इन जनरल तभी भी जब भी H2SO4 रहेगा तो SO4 तो ब्रेथ करके लेने का जरूरत नहीं है, जब भी आएगा SO4 तो H7 ले लेना, H7, ठीक है, H7 ले लेना। तो SO4 H7 ही है तो SO4 1 ना, हाइड्रोजन 2 और Cl 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl दोनों H7 ही थे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, हो गया बैलेंस। समझे बात? तो इसी तो डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है सर, अब आप वर्ड इक्वेशन दीजिए, हम लोग उससे बैलेंस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो क्या इक्वेशन दे, बुक भी तो सामने नहीं है। हाँ चलो इसको बनाओ, देखते हैं। सर मेरे पास क्वेश्चन है, बोले क्या? बोलो। ठीक है सर। Sir, write the balance equation and for barium chloride is added to sodium sulfate. Barium chloride and sodium sulfate. तो इसका बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस वो सोडियम क्लोराइड। रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव, इसका बनेगा बेरियम सल्फेट, एंड सोडियम क्लोराइड। सर और सोडियम क्लोराइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो इजी 1 है, बेरियम क्लोराइड जैसा अभी लिखे, बेरियम क्लोराइड। सर आप जो ऊपर लिखे बस वही चीज है, वो HCl के जगह NaCl होगा। हाँ BaCl2 है, वहाँ हम दिए थे H2SO4, यहाँ है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। Na2SO4, वेरी गुड। So we need to add 2 before NH3। हाँ, तो ये मेरा फॉर्म होगा फिर से BaSO4 और ये NaCl फॉर्म होगा, वहाँ HCl फॉर्म हुआ था, बस यहाँ सामने 2 बैठा दो, हो गया बैलेंस। सर और Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO plus H2O। सर इसको कैसे करेंगे? हुआ ये सबका? सर मेरा हो गया। यस सर। ओके कॉपर प्लस क्या था? HNO3। सर वो वाला Cu है। हाँ सर वो फर्स्ट में वो Cu है। हाँ Cu है, कॉपर Cu। ठीक है सर, gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O। NO2 plus H2O। NO2 नहीं सर, NO only NO। अच्छा देखो गलत मत बोलना, क्योंकि गलत अगर इक्वेशन हुआ तो फिर बैलेंस नहीं होगा। हाँ सर NO ही दिया है ना। हाँ सर NO ही दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन यहाँ पर ऐसी जगह पे है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 जगह पे है, तो इसको हम लोग वो डायरेक्ट इधर 1 इधर 2 लेते वो जो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, यहाँ पर वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ब्रेथ थोड़ी कर सकते हैं। इधर टोटल 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6, फिर इसको चला जाएगा, वैसे नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर समझेंगे हम लोग तो ये कॉपर है, ये कॉपर है, बैलेंस्ड है। NO3 होल 2, यहाँ पर NO3 ऐसी है, फिर यहाँ पर N है, मतलब ये नाइट्रोजन कितना बन रहा है? यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो 3 तो पहले अगर हम लोग ये नंबर पे इवन नंबर पे लेते आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बिठा दे। सर पहले हम लोग ट्राई कर ले। हाँ तुम लोग नहीं बनेगा तो फिर आप करिएगा। ठीक है ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। सर HNO3 के पहले 4, फिर NO के पहले 2 और H2O के पहले 2. फाइव पोजिशन है ना, 1 2 3 4 5. चलो फर्स्ट पोजिशन में यहाँ कितना बैठे था, कुछ नहीं? नो सर. अच्छा यहाँ पर 2 सर 4. एजन सर, हाँ सर बन गया, सर बन गया सर 4 होगा एजन बोल सर 4. उसके बाद सी एस एजन, एजन बताओ. सर उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद 2 और उसके बाद फिर H2O में 2. यहाँ पर कितना बैठे था आइसानी का सर? वहाँ पर कुछ नहीं है. अच्छा यहाँ मतलब पर CuNO3 को OL2 में कुछ नहीं है सर. उसके बाद NO पे 2 और H2O पे 2. अच्छा ये आदित्य बोल रहे थे, ये बताओ क्या बोला? नहीं सर, नहीं सर मैं नीचे वाला वही 4 वाला बोल रहा था, 4 HNO3. अच्छा 4 2 2. यस सर, मतलब 0 4 0 2 2. 0 तो नहीं, बेसिकली 1. 0 तो नहीं होता है, 1 होता है. ठीक है 1 4 1 कैसे होगा? ऐसे देख लेते हैं, तुम लोग बोल रहे हो हम भी करते हैं, मिला लेते हैं कि बैलेंस हुआ है नहीं. ये 2 वाला कौन बोल रहे थे? ये 2 कौन बोल रहे थे? तो ही नहीं. चलो देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं जो तुम लोग बोल रहे हो. 4 कहाँ बैठे था? 4 बैठे था यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2. तुम लोग बोल रहे हो ये बैलेंस्ड है. चलो काउंट करते हैं. कॉपर 1, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 10. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 12 हो गया ना, 3 into 4. ऑक्सीजन तो 12 है, ये 3 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन बिकम्स 12. यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 into 2 6. यहाँ से आ रहा है 2 और यहाँ से भी आ रहा है 2, तो 6 2 8 2 10 हो रहा है, 12 है. बैलेंस नहीं है, मतलब ये गलत है. सर को आप बता दीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रहा था. ये डिफिकल्ट वाला है. चलो ठीक है, और किसी का आया? सर सही तो है 4 HNO3 अगर करेंगे तो. नहीं ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस हुआ है? तो 4 HNO3 में ऑक्सीजन बन जा रहा है मेरा 4 3 12 हो जा रहा है ना, 4 into 3 12 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में. राइट हैंड साइड में 12 कहाँ से हुआ? 3 into 2 6 प्लस 2 दैट इज 8 प्लस 2 10 हुआ ना. ओ सर अच्छा सर, वहाँ मेरे को लगा H2O. देखो सबसे फर्स्ट बात तो यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन को थोड़ा ध्यान देंगे तो नाइट्रोजन NO3 टोटली यहाँ पर है, लेकिन फिर भी यहाँ नाइट्रोजन है. मतलब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सपोज, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से नाइट्रोजन कितना बन रहा है? 2 into 2 4. यस सर. और ये 5 नहीं, ऑड नहीं चलेगा, इसको पहले इवेन पे लेते आना है तो ही बैलेंस होगा. ठीक है तो देखो ये 2 हुआ और अभी ये कितना है 2, मतलब 4 है. मतलब हम लोग यहाँ पर 4 बिठा सकते हैं जो तुम लोग बोल रहे थे. ठीक है नाइट्रोजन बैलेंस है. हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर 2 बिठा दिए. ठीक है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है. ऑक्सीजन के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हेलो सर। हाँ बोलो सर। हमको लगता है क्वेश्चन गलत है, NO2 होगा। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम बता रहे। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, देखो तो ऑक्सीजन हो रहा है मेरा 4 × 3 12 ना, तो 3 दूनी 6 + 2 पर NO2 होगा तो सच में हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। रुको देखो यहाँ पर 4 बिठा दिए, यहाँ पर 4 बिठाने से ऑक्सीजन बैलेंस हुआ ना। हाँ सर ठीक है। यस सर। 6 2 8 4 12 हो गया। आप देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसको भी तब हमको 8 करना पड़ेगा। अब देखो नाइट्रोजन तो बैलेंसिंग करना है। नाइट्रोजन कितना बन गया? 8 ना। ये कितना था? 2। यहाँ पर 3 बिठा दो, ये तो बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन हो गया 2 × 3 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। आप सिर्फ कॉपर हो गया है, तो कॉपर के लिए यहाँ पर 3 बिठा दो, हो जाएगा बैलेंस। ये होगा सर। लेकिन आपको पता कैसे चला कहाँ 3 लगाना है कहाँ 8? थोड़ा सा एजम्पशन है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग तो ये एजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है सर। थोड़ा एजम्पशन है और थोड़ा बोल सकते हो कि ये सारे रिएक्शन के लिए हम लोग जब कोई भी हायर क्लासेस में जब जाओगे या फिर जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं मिला होगा, तो जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस मतलब पता चलते चलेगा। ठीक है सर। देखो NO और NO2 दोनों फॉर्म होता है, ठीक है। NO फॉर्म होता है फॉर द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं थोड़ा सा, तो वो NO2 फॉर्म हो जाता है। सर एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन दीजिए ना, अच्छा लगा। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन, चलो इसको करो मेरे सामने। यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख पा रहे एक सेकंड। चलो इसी को करो, जो तुम लोग बोल रहे थे ना, देखो वही ये हो जाएगा। सेम रिएक्शन दे रहे, सेम रिएक्शन दे रहे, सिर्फ NO तो कर दिए NO2, इसमें बैलेंसिंग करो। ये तब होता देखो, ये प्रोडक्ट होता जब नाइट्रिक एसिड मेरा सर डाइल्यूट एंड कोल्ड होता है, ठीक है, डाइल्यूट एंड कोल्ड। और ये तब होता है, ये होता है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तब, या फिर हॉट डाइल्यूट लेते हैं तब। सर मैं बोलूं इसका क्या होगा? बोलो सर। जो ऊपर में जो किए थे ना वही होगा, ऊपर में जो लिखे थे वही होगा। 422 वाला, 422 वाला तो हिसाब तो प्रेजेंट करा चलो। ये मैं कौन सा बस है वो यही था ना, आदित्य सर। आंसर मिल गया सर। सर आंसर होगा 3Cu + 8 HNO3 to form 3Cu NO3 2 + 2NO2 + 4H2। यहाँ पर कितना बैठे था? यहाँ पर 4 कॉपर में नहीं मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर 2 उसके बाद फिर भी 2 H2 यही ना। यस सर ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ये तो काउंट कर लो, बैलेंस्ड है। कॉपर कॉपर NO3 कितना? NO3 4, तो NO3 यहाँ पर 2। अच्छा नाइट्रोजन तो लो, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2 4 हाइड्रोजन तो 2H2। ऑक्सीजन कितना है? 12 है। 3 दूनी 6 6 4 10 2 12 ठीक। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये NO तब फॉर्म होगा, NO फॉर्म होगा जब नाइट्रिक एसिड मेरा डाइल्यूट है और पुल्ड है तब मेरा एनो फॉर्म होता है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड लेंगे या फिर हॉट और डाइल्यूट लेंगे तो वो मेरा फॉर्म करेगा NO2। सेवेंथ के बाद ये 8 और 9, दिस इज एग्जाम्पल 8, दिस इज एग्जाम्पल 9। समझ में आया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट स्टेप हम देते हैं, उसको बनाओ। तो नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 10 और 11। सर 10 ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड दे रखा है, बना रहा है फॉस्फोलिक एसिड वाटर NO2, फॉस्फोलिक एसिड वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चलो बनाओ, पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ हमको। दिस इज वर्ड इक्वेशन। सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ क्या होगा? फॉस्फोरस का सल्फेट। हाँ नहीं सल्फेट P4। नाइट्रिक एसिड का मतलब हुआ 8NO3। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला P8। फॉस्फोरिक एसिड सब PO4 नहीं, सब P8 नहीं, फॉस्फोरिक एसिड नहीं पता है सर। PNO3 सर डोंट नो, वेरी गुड, कोई बात नहीं। H3PO4 इट इज फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर। वाटर का मतलब हो गया H2O। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया NO2। चलो इसे सॉल्व करो। यू हैव 5 मिनट्स इन योर हैंड। चलो 5 मिनट्स टाइम दे रहे, इसे सॉल्व करो फिर हम बताएंगे। तो P4 है। हाँ P4 है। सर मैं सब कुछ बैलेंस हो गया, बस ऑक्सीजन लेफ्ट तरफ 42 आ रहा है और राइट तरफ 43 आ रहा है। हाँ तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो 40 42 मतलब दो का डिफरेंस है ना, एक का भी डिफरेंस है तो वो बैलेंस नहीं है। सर एक का डिफरेंस है। हाँ तो वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। चलो सर बोलो बोलो। HNO3 के पहले 14, HNO3 के पहले 14। हाँ 14। H3PO4 के पहले 4 और फिर 2H2O। अच्छा और 14NO2। 14NO2। अच्छा ठीक है, बैलेंस हुआ है क्या लगता है? काउंटिंग किए देखो P4। अच्छा और किसी का कोई आया आंसर? अदर्स किसी का कुछ और आया आंसर? किसी का नहीं आया सर? बोलो सर। P4 ही होगा और 20 HNO3 होगा। P4 प्लस 20 HNO3। अच्छा फिर 4H3PO4। ठीक फिर 20NO2। अच्छा ठीक है और किसी का प्लस 4H2O। हाँ लिख दिया 4H2O। और किसी का कुछ आया है? डिफरेंस H2O का है। चलो देखते हैं, दो इक्वेशन अभी तक हम मेरे पास आया, एक बार 14HNO3 एक बार 20HNO3। देखते हैं किससे बैलेंस्ड है। P4 देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का सेम है ठीक है, इधर उधर में प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं हाइड्रोजन तो पहले देख लेते हैं। 14 हाइड्रोजन तुम बता रखते हो, यहाँ हाइड्रोजन आ गया 12, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4, तो 12 + 4 16 हो गया ना, और इधर 14 है, मतलब ये वाला बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 20 हाइड्रोजन, तो 4 × 3 12, यहाँ से आ रहा है 12, यहाँ से 4 बिठा रखते हो तो 4 × 2 मतलब 8, और इधर नहीं है। चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 14 होते, ऑक्सीजन 42, ऑक्सीजन 4 + 16, 16 + 2 18, 16 + 2 18 and 14 × 2 28, काउंट करो 8 2 10 46 हो रहा है। सर आप 20 वाला चेक कर रहे हैं ना, 14 वाला तो गलत हो गया। अच्छा हाँ 14 वाला तो गलत है, 20 वाला ना, 20 × 2 नहीं क्या काउंट कर ले तो ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन तब कितना हो रहा है ये। अच्छा ऐसे गलत हम लिख रहे हैं, हम लिखने दो तो काउंटिंग क्यों नहीं हो रहा है। 20 H3PO4 के सामने बैठेगा 4, यहाँ कितना बोले 4H2O बोले ना, 4H2O एंड 20 NO2। चलो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करो 20 × 3, अच्छा 60 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 × 4 मतलब 16 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 16 + 4 20 बना, तो यहाँ से 40 आना चाहिए। हाँ 20 × 2 ठीक है 14 है, मतलब ये बैलेंस है। ठीक है दिस इज राइट। 20 नाइट्रिक एसिड प्लस 4H3PO4 प्लस 4H2O प्लस 20 NO2, ठीक है ये बैलेंस्ड है। जिनका नहीं बना वो ये लिखेंगे। चिंता नहीं बनाए वो ये लिखेंगे। क्या स्टार्टिंग कहाँ से थी, ये देखो स्टार्टिंग ऐसे करना है कि P4 है और P देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पे P है यहाँ पर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बढ़ जाए, कितना 4 × 3 12, अब 12 है और यहाँ पर 2 है मतलब 14, इसीलिए तुम यहाँ पर 14 बिठाए थे लेकिन उससे बैलेंसिंग नहीं हुआ, तो फिर इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हुए चलो, ठीक है फिर जाकर वो ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। चलो नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन हो दिया? यस सर। अब एक थोड़ा सिंपल वाला देते हैं, चलो इसको बैलेंस करो। नाइट्रिक एसिड itself decomposed into water plus NO2 plus O2, इसको बैलेंस करो। ये HNO3 जो क्वेश्चन में आ रहा है वो क्वेश्चन टफ हो रहा है, HNO3 जो क्वेश्चन में आ रहा है वो क्वेश्चन टफ हो रहा है बोल सकते हो। ये देखो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। Sir, 4HNO3, 2H2O, 4HNO2 plus O2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पर है, हाइड्रोजन इधर नहीं है। यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 बिठा दिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब 2 बिठा देना मतलब नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन यहाँ है तो सिर्फ यहाँ भी 2 बिठा देना है। अब ऑक्सीजन दे तो कितना है, 3 दूनी 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो दिया है, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो दिया है, ये एक्स्ट्रा हो दिया है 7। तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा, तो अब हम तो बढ़ाना पड़ेगा, इधर हो दिया 7 और इधर हो दिया 6, ठीक है। तो डैट्समीन हम तो इधर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, तो इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, तब उस हालत में हम लोग इसको 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बिकम्स 4, तो इसको हम लोग कर दिए 4, इसको हम लोग कर दिए, इसको हम लोग कर दिए 4। फिर NO2 में भी 4 कर दें, ठीक है, उसको हम लोग कर दिए 4। इसको जब 2 कर दिए तो ये 4 हो दिया, तो यहाँ भी 4 ले लिए, नाइट्रोजन भी 4 हो दिया, तो इसको भी हम लोग 4 कर दिए। अब ऑक्सीजन का हम चलो 12, 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो 12 हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे करते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंसिंग करते चलना है। अब तो ऐसा नहीं है नाइट्रिक एसिड है तो हमेशा डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट था नो सर, ये वाला ही उतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल किए, एक जगह पे 2 बिठाई, 2 जगह पे 3 बिठाई, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। चलो एक और देते हैं, देखना ये भी इजी रहेगा। तो पार्शियल मेथड क्या है सर, पार्शियल प्रेशर नहीं सर, पार्शियल मेथड, पार्शियल मेथड, हाँ सर पार्शियल मेथड वही बताए ना जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं ना, वो वाला होता है पार्शियल मीडियम, मतलब हम लोग पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, फिर उस पार्ट को बैलेंस करते हैं, ऐड करते हैं लास्ट में वो। ओके सर, तो ये वाला इक्वेशन तो बैलेंस करो, CuCO3 plus nitric acid, it gives CuNO3 whole 2 plus H2O plus CO2. सर बोलो, HNO3 के पहले 2 करेंगे, 3 से पहले 2 का लेन देन, ठीक है 2 पिए और कुछ नहीं, बस हो गया। और कुछ नहीं हो गया? अच्छा यस। बाकी किसी का बना? यही आया है क्या? इतना इजी था क्या कि सिर्फ 2 बैठाने से हो गया? तो देखते चलो, प्रॉपर प्रॉपर 2 बिठा दिए, मतलब NO3 होल 2 हाइड्रोजन 2 ऑप्शन कितना है 3 9, 3 दूनी 6 9 और यहाँ पर 3 दूनी 6 7 2 9। अच्छा ठीक है, बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। ये तो कितना इजी था, नाइट्रिक एसिड है फिर भी था नाइट्रिक एसिड, तो तुम ब्लेम कर रहे हो नाइट्रिक एसिड है तो सर डिफिकल्ट है। नाइट्रिक एसिड में भी इजी है, कुछ रिएक्शंस ऐसा मिल जाता है जो डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस करना, ठीक है। अब हो जाएगा बैलेंसिंग सबसे, yes, इतना डिफिकल्ट देने वाला नहीं है, इससे इजी वाला ही देने वाला है। हम लोग जो डिफिकल्ट वाले कर चुके हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट अब देगा नहीं। हाँ सर, टीचर को भी पता है एग्जाम में टाइम कम है। हाँ एग्जाम में भी हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करो बस। चलो अब बता दो इस चैप्टर में और कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है जो अभी तक कवर अप नहीं हुआ है। Sir, to calculate the valency from formula. कौन सा? Sir, to calculate the valency from formula. To calculate valency from formula. अच्छा और Sir, relative atomic mass. Sir, relative molecular mass. Percentage composition and empirical formula. सर हम लोग को बुक में पार्शियल इक्वेशन मेथड करके दिया है, बैलेंसिंग बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड, तो वैसे भी करवा दीजिए ना। पार्शियल मेथड वाला ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, अभी तो टाइम बचा नहीं है, वो शुरू करके तो फायदा होता नहीं। पार्शियल दिया है तुम लोग तो बुक में? यस सर। अच्छा ठीक है, दिया है तो ठीक है, हम वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। हम तो एक बार टॉपिक बताओ क्या क्या छूटा है, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है कि क्या टॉपिक बचा है। बताओ एक बार क्या बोले थे? एक तो बोले कैलकुलेट वैलेंसी फ्रॉम फार्मूला। हाँ सर, सरल से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला। आस्ते वेट एटॉमिक मास, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, कंपोजिशन फार्मूला। हाँ सर, परसेंटेज लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, कंपोजिशन ऑफ सर परसेंटेज कंपोजिशन, अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ केमिकल। अच्छा अच्छा परसेंटेज वाला ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा इसमें एम्पिरिकल वाला भी डाला हुआ है सर, और ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। नहीं तो लिखे हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं सर, और हम लोग बुक में नहीं है, बट हम लोग को मोलर मास भी पढ़ाया गया है क्लास में। अच्छा ठीक है, मोलर मास भी पढ़ाया गया है, ठीक है ठीक है। और सर हाँ सर और कुछ तो नहीं है? और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं। सर को पार्शियल इक्वेशन आप कर कराएंगे और उसी में लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन दिया है, बाकी फिर चैप्टर खत्म है 4 टॉपिक के बाद। नेक्स्ट बच्चा है बैलेंसिंग बाय पार्शियल मेथड, यही ना? अभी भी इतने सारे टॉपिक। तुम लोग तो जो सर इससे पहले क्लास करवाए थे, कितने क्लास हुआ था सर? शायद 2 या 3 क्लास हुआ था। यस सर, थोड़ा सा ऑफलाइन मिला के भी सर, ऑफलाइन मिला के भी बहुत हुआ होगा, तो 4 क्लास हुआ होगा। 4 क्लास में तो चैप्टर ऑफलाइन में खत्म हो जाना चाहिए था, ऑफलाइन में तो जल्दी सर, ऑफलाइन मिला के ऑफलाइन में तो एक ही हुआ जिसमें कि खाली इंट्रोडक्शन, उसमें पढ़ाई भी नहीं हुआ, बाकी ऑनलाइन में 3 क्लास या 2 क्लास। ठीक है, इतना टॉपिक है ये, नियर अबाउट 2 क्लास और लगेगा। 8 क्लास में परसेंटेज एम्पिरिकल हो जाएगा और 1 क्लास में बैलेंसिंग। इसके बाद पीरियोडिक टेबल करवाइएगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट में पीरियोडिक टेबल भी आ रहा है। पर हम लोग को यूनिट टेस्ट का सिलेबस नहीं पता, वो पोस्टपोन्ड हो गया। नहीं सर, हम तो भेज दिए हैं ग्रुप में हम लोग का। अच्छा सर, मैं दूसरा पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर होता है सर। ये चैप्टर अनिल सर पढ़ा दिए थे हम लोग को, पीरियोडिक टेबल भी दिए थे। नहीं सर, ये चैप्टर अनिल सर ने इंट्रोडक्शन दिया था सर। हां, फर्स्ट डे तो करवाए थे इंट्रोडक्शन। अरे वो लर्न करना है और कुछ नहीं करना है पीरियोडिक टेबल को। नहीं नहीं सर, एक्चुअली हम लोग को चैप्टर तो हम लोग का बुक में है भी नहीं है। कहां से है सर? है ये सर, हम लोग एग्जाम में फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन पूछेगा। हाँ सर, हम लोग का सर हम लोग का एग्जाम में क्या आएगा वो नहीं पता मुझे सर। द पीरियोडिक टेबल चैप्टर है पूरा, उसमें डॉबिनियर, स्ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब है। ये फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन कौन सा स्कूल में आएगा? सेकंड में सर, ये विंसेंट में आएगा। ये विंसेंट में आएगा, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल एजी चर्च में। हाँ एजी चर्च ओके, एजी चर्च। व्हेन इज योर एग्जाम? ठीक है ठीक, हम देखते हैं। पहले ये चैप्टर तो हो जाए, नेक्स्ट दो क्लास में पहले सर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इजी है सर, वही करवा दीजिएगा पहले। हां सर, हां सर, क्योंकि हम लोग का एग्जाम नियर में। अच्छा ठीक है सर, एक चीज है, आपका एग्जाम भी नहीं पता कब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पार्शियल मेथड और इतना तो आई होप नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सिर्फ ये दो बचा रह जाए तो ये और एक क्लास में हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिकल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बातें करवाते हैं। ओके सर, होते हैं। बाय सर, बाय 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 आदि। What? कहाँ से क्या उठ के आ गया?